हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग बहुत ही कॉमन चीज है, स्पेशली आईवीएफ के पेशेंट्स में। क्योंकि मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं और हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स जिनको आईवीएफ से प्रेगनेंसी हुई है, इनका डिलीवरी होता है या हमारे हॉस्पिटल में रेफर किए जाते हैं, इस चीज पे इंफॉर्मेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूट्रस को स्टडी करेंगे तो यूट्रस के अंदर का जो पार्ट रहता है जहां पे बेबी ग्रो होता है, उस चीज को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अर्ली प्रेगनेंसी में पूरा जो बेबी रहता है वो कुछ इस प्रकार ग्रो होता है, जो प्लासेंटा, जो वार बोलते हैं, वो पूरा सराउंडिंग में रहता है और उसके अंदर एक चीज ग्रो होता है जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल सैक, और उस चीज के अंदर ग्रो होता है बेबी। मान के चलिए ये योग सैक है और ये बेबी है, राइट? तो पेशेंट को समझना क्या है, सबसे पहले चीज ये जो पूरा चीज है जो मैंने लिखा है, ये ब्लीडिंग स्टार्टिंग के 7 वीक्स में बहुत कॉमन है, मतलब स्टार्टिंग के 1.5 महीने में बहुत कॉमन है, राइट? जो नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है इसमें इस चीज को बोला जाता है डेसिड्यूअल रिएक्शन। डेसिड्यूअल रिएक्शन का मतलब प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, या कॉमन भाषा में अगर मैं बताऊं तो ये सपोर्ट है, राइट? इस पूरे चीज को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी का सपोर्ट। उसके अंदर जो सैक जहां पे बेबी ग्रो होता है उसको मेडिकल भाषा में बोला जाता है जेस्टेशनल सैक, राइट? अब जब कभी भी ये प्रेगनेंसी एक्सपैंड होती है, ओके, काफी बार ये जो डेसिड्यूअल रिएक्शन का सपोर्ट रहता है उसके खून के वेसल्स थोड़े 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 ब्लीड कर सकते हैं। इस चीज को बाहर बॉडी ब्लड के माध्यम में एक्सप्रेस करता है, इस चीज के वजह से अर्ली प्रेगनेंसी में लोगों को ब्लीडिंग होती है, ओके? अब जब कभी भी आपको ब्लीडिंग होती है, नॉर्मली पेशेंट हमें बताते हैं कि उनको क्लॉट जैसा कुछ पास हुआ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे कॉमन रिएक्शन पेशेंट का रहता है डर, फियर, ओके? डर के मारे वो हॉस्पिटल में फोन करते हैं, ब्लीडिंग हो गया, अब मैं क्या करूं? फर्स्ट थिंग, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ, अगर ऐसा आपको कोई ब्लीडिंग हुआ, तो भगवान के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, डू नॉट पैनिक, डोंट पैनिक प्लीज, कोई रश पैनिक करने का जरूरत नहीं है। सेकेंड, ऐसे सिचुएशन में कॉल योर डॉक्टर इमीडिएटली। नॉर्मली आपके डॉक्टर आपको इमरजेंसी के लिए टैबलेट्स देंगे कि ठीक है, ब्लीडिंग हो रहा है, 1 या 2 टैबलेट इस चीज का खा लीजिए और ये टैबलेट लेने के बाद में हॉस्पिटल आइए, अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए पैनिक नहीं करना है, ओके? हॉस्पिटल में आने के बाद में सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि क्या आपको साथ में पेन है या नहीं, क्या आपको साथ में दर्द है या नहीं। अगर आपको साथ में पेन है तो इसका मतलब कि ऐसे सिचुएशन में एबॉर्शन का रिस्क ज्यादा है, इसे कहा जाता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, ओके? ये 3 चीज सिर्फ पेशेंट को ध्यान रखनी है, सिर्फ ये 3 चीज। पहले चीज में आपको पता होना चाहिए कि जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो जो मैंने आपको समझाया, ये जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें से कभी ब्लीडिंग आ सकती है। ब्लीडिंग के कारण अगर आपको कुछ ब्लड के द्वारा क्लॉट पास होता है तो सबसे पहली बात, पैनिक नहीं करना है, डोंट पैनिक, कॉल अप योर डॉक्टर। आपके डॉक्टर आपको इमरजेंसी टैबलेट्स देंगे जो हर केमिस्ट में अवेलेबल रहती है, और उसके बाद में जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तब आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको साथ में पेन है या नहीं। ऑलराइट, अब इस चीज का नॉर्मल सिचुएशन को लेके ट्रीटमेंट क्या रहता है, ऑलराइट? अगर आप स्टडी करेंगे तो इस चीज में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि ये जो सपोर्ट है ये बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको ये बात जरूर समझ में आएगी। ये जो प्रोजेस्टेरॉन रहता है, ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी के दरमियान ब्लीडिंग होती है उन लोगों को हम प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट इंक्रीज कर सकते हैं। ये कोई भी मात्रा में हो सकता है, इंजेक्शंस, टैबलेट्स, वजाइनल टैबलेट्स, बहुत सारे मेथड्स है इसको देने के लिए, बट बेसिक इसका ट्रीटमेंट प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट देना है। प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट आपको कौन देगा? आपके डॉक्टर।
आप खुद केमिस्ट के पास में जाके प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन या टैबलेट नहीं लगवा सकते। आपको आपके डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट इंक्रीज करना है या नहीं करना है, ये एक अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी करके जानने की कोशिश करेंगे। सोनोग्राफी में डॉक्टर नापेंगे डेसिडुअल रिएक्शन कितना है, बेबी का कंडीशन कैसा है, ये सारा चीज बॉडी के अंदर यहाँ पे कोई क्लॉट है या नहीं है, ये हर चीज का एक इंफॉर्मेशन डॉक्टर को मिलेगा। और उसके बाद में आपका कंडीशन देख के डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इसका डिसीजन लेंगे। इस चीज को इसके उपरांत काफी सारे थेरेपीज अवेलेबल है जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के स्कोप के बाहर है, बट एज अ पेशेंट आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभार फर्स्ट ट्राइमेस्टर अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 7 हफ्ते के पहले छोटा मोटा स्पॉटिंग होना, एकाध एपिसोड ब्लीडिंग का होना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन रहती है। इस चीज को लेके पैनिक नहीं होना है क्योंकि इसका मतलब आपको ब्लीडिंग हो गया मतलब आपको अबॉर्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्लीज ये चीज ध्यान रखिए, ये सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है नॉर्मल पेशेंट से और IVF के पेशेंट में। इनफैक्ट IVF के पेशेंट तो बहुत ही पैनिक करते हैं क्योंकि उनका प्रेगनेंसी बड़ा प्रेशियस प्रेगनेंसी रहता है, राइट? तो प्लीज अगर आप ये वीडियो देख के कुछ समझे हैं तो प्लीज पैनिक ना कीजिए, गो टू योर डॉक्टर एंड लेट द डॉक्टर डू एन अल्ट्रासाउंड एंड असेस द सिचुएशन, क्योंकि अल्टीमेटली इस चीज में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट लगने वाला है। वीडियो खत्म करने के पहले सिर्फ एक चीज, काफी लोग बोलते हैं कि सर मैंने पूरा बेड रेस्ट लिया तो भी मुझे ब्लीडिंग हुआ, तो प्लीज ये ध्यान में रखिए कि ये ब्लीडिंग का और बेड रेस्ट का एक दूसरे के साथ में कोई संबंध नहीं है, ब्लीडिंग का और बेड रेस्ट का कोई संबंध नहीं है, गॉट इट? ये एक मिसकंसेप्शन है जो आपके दिमाग में से आपको कंप्लीटली दूर करना है। इस चीज को लेके द बेस्ट इज टू कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर, पर अगर और कोई क्वेश्चंस है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।